इंडिया पे भी देखते हैं अब ये, क्योंकि 1900 के लेवल को पार करके ट्रेड कर रहा है। रुद्रा एक बार जरा आप ही चेक कीजिए, बाटा 1900 का हो गया, ये देखते देखते 1600 का शेयर 1900 हुआ है। आप इसका भी दिखाइए 2-3 महीने का चार्ट, ये और चलेगा या फिर अभी बस हो गया, पूरा हो गया, खत्म? Yeah, in fact, Dimpy ji, you are asking one of the beautiful question and stock because Bata India का आज result है and I am also just tracking it very closely as a short-term trader and expecting some numbers what can come from Bata India, how to position all that. See, longer time frame के लिए ये really good stock, fundamentally good stock and strong hands have bought when promoter has sold Bata India and for me this is a great stock to buy. At levels closer to 1775 to 1800 for a very short term. We will know it only tomorrow. I am not positive for pure result play to buy Bata India at current level. But will I short Bata India? You want to look at 2-3% kind of a move and you want to take a contra trade. You might do it, but surely I will not buy for just 1 or 2 days kind of a trade. It is a long term play, positional play. And price is very important for a trader. Great price will be closer to 1775 to 1800. So if I get any dip in Bata India because of result and I see a 3-5% kind of a correction, I will be a buyer in Bata India, which is a better trade to do. But for result, I will not be going long because last 5 days, 6 days, look at the chart pattern. From levels of around 2000 rupee, stock has now corrected 70-80 rupee in a positive market. That means someone who has some information input whatsoever, he can't escape our charts. I may not know the information, but I know how to read the chart with 19 years of experience away. So I am telling risk reward is not favorable to go long for just the result. Price action is not positive. If you get any dip, look at buying opportunity at 1775 to 1800, a great stock to buy at that level of 1800 and you can look at targets higher like 2500 plus, but not a buy for result, buy it if you get any dip at 1800. अरे भाई रुद्रा, आपको रिजल्ट्स की ज़रा वेट करनी पड़ेगी, जिस तरह से आप कैलकुलेट कर रहे हैं उस हिसाब से नंबर्स भी आ गए हैं इसके बैक टू बैक, और ये बिल्कुल टाइमली मैंने आपसे पूछ लिया और टाइमली नंबर्स भी मैच हो गए। वो ये है कि कंपनी घाटे से मुनाफे में आ गई, डेट मीन्स इसका जो 70 करोड़ का घाटा था जो इसके लास्ट क्वार्टर में आपको दिख रहा था, अब लास्ट ईयर में दिख रहा था सेम क्वार्टर्स में, वो अब प्रॉफिट में कन्वर्ट हुआ है। वो करीब 120 करोड़ का अपने मुनाफा दर्ज किया है। जब प्रॉफिट आया तो इसका मतलब अब बीटा मार्जिन्स भी ठीक होगा, मार्जिन्स करीब 25% के आसपास के बताए जा रहे हैं, कम नहीं होते, 100 रुपये से 25 रुपये सीधा सीधा आपके मार्जिन्स हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका रेवेन्यू भी ठीक आएगा, उसका रेवेन्यू के मेरे पास जो नंबर्स हैं वो उसके अकॉर्डिंग है, कम से कम 2 या 3 गुना होना चाहिए, यानी कि 250-300 करोड़ से सीधा 900 करोड़ रुपए के आसपास आना चाहिए नंबर्स। तो कुल मिला के नंबर्स ठीक है, थोड़ा चला हुआ शेयर था, इसलिए रुद्रा की बात से मैं 100% एग्री करता हूँ कि ये सारी थेमेटिक प्ले जहाँ जहाँ पर भी पहले चल गया है वहाँ थोड़ा सा भी रुकना चाहिए, और जो पहले नहीं चला उसके अंदर सडन स्पाइक आएगा, जैसे वंडरला और सफारी। ये बहुत ही नीच सेगमेंट में है, पीयर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन बाटा के पीयर्स अवेलेबल है, खादिम है, मिर्ज़ा इंटरनेशनल है, बाटा इंडिया खुद अपने आप में है, और इसके अलावा कैंपस भी अपने यहाँ लिस्ट हो चुका है। तो ये शेयर थोड़ा सा आपको रुक के ट्रेड करना चाहिए। आप इनके अगर कंपेयर करेंगे वीकली बेसिस मंथ टू मंथ चार्ट का, यानी कि महीने भर महीने में, तो आपको ये शेयर भी आपको चलते हुए दिखेंगे। इंटरेस्टिंग, बाटा के नंबर्स आपको स्क्रीन पे आते हुए दिखेंगे। एक बार एक काम और करते हैं, क्या खादिम और दूसरे जो शेयर है जो इसके पेयर है उसमें कहीं कोई इंटरेस्ट है तो वो एक बार पता कर लेते हैं। नागराज एक बार जरा आप देख, अच्छा हमारे साथ रुचित जैन भी जुड़ चुके हैं। रुचित एक काम कीजिए, आप बाटा और खादिम में से खादिम आप जरा देख के बताइए, बाटा का व्यू पॉइंट मिल गया कि डिप में बाय करना है, खादिम के बारे में जरा आप बताइए। खादिम में रिसेंटली देखे तो जैसे बाटा में एक रिकवरी आई है पिछले 1.5 महीने में मार्केट के साथ साथ, खादिम भी 180 का लो बनाया था, 180 से लेकर 260 तक एक रिकवरी दिखाई दी, लेकिन वॉल्यूम्स ये स्टॉक में इस रिकवरी में इतने ज़्यादा नहीं है। और यूजुअली ये तेजी में जो भी ऐसे स्टॉक्स रहे जहाँ पे प्राइस अपमूव तो हुए लेकिन अच्छे वॉल्यूम्स नहीं हुए, तो उनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा कि वो रैली कितनी सस्टेन कर पाएगा। तो आई डोंट थिंक कि यहाँ पे क्योंकि वॉल्यूम्स इतने अच्छे नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे कोई बाय साइड के ट्रेड्स फिलहाल खादिम में भी नहीं बन रहे। मे बी डिक्लाइंस में फिर से 220 215 ये लेवल्स के आसपास अगर दिखता है तो वहाँ पे सपोर्ट अच्छा रहेगा, जहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी थोड़े फेवरेबल बनेंगे। तो करंट लेवल्स पे कोई, बिकॉज लैक ऑफ वॉल्यूम्स करंट लेवल पे इतना बाइंग इंटरेस्ट स्टॉक में नहीं दिख रहे, बट 220 के आसपास आता है और उसके बाद अगर कोई स्टॉक में रिवर्सल के पैटर्न फिर से बनते तो फिर स्टॉक में कुछ कॉन्ट्रा कॉल लेने के लिए रिव्यू कर सकते हैं। तो चलिए राय खादिम पर फिलहाल इसे सिर्फ वॉच लिस्ट में डालें। 238 के लेवल्स पर ट्रेड करा, लेकिन बाटा के अच्छे नतीजों का रिएक्शन फिलहाल यहाँ पर नजर आ रहा है। इस